प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। लाखों में मेरा प्रिया एक ही मेरा हो लाखों में मेरा।
एक ही मेरा प्रिय है, लाखों में मेरा वा प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के बल से लिया है, उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के बल से लिया है, लाखों में मेरा वा प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। आज के अध्ययन के लिए गलतियों की पत्री पांचवें अध्याय को खोल लीजिए। गलतियों की पत्री पांचवें अध्याय के 22वें पद में हम पढ़ते हैं, गलतियों 5:22, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सभी लोगों ने इस बात को नोट किया होगा कि ये हमने जो पढ़ा है ये आरंभ ही फल शब्द से होता है। इन दिनों हम ये देख रहे हैं प्रभु के वचन से कि हमारा आत्मिक जीवन फलवंत कैसे हो। आत्मिक जीवन फलवंत होने के बारे में पिछले 2 दिनों में मैंने 2 बातें बताई थी। नंबर 1, हर मसीही व्यक्ति, हर व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाया है वो प्रभु के द्वारा बुलाया गया है। कई बातों के लिए बुलाया गया है, जिनमें से एक बुलाहट है जीवन में फल लाने के लिए। दूसरे दिन मतलब कल हमने देखा था कि ये फल हम सक्रिय रूप से अपने आत्मिक जीवन के पोषण के द्वारा, अपने आप के पोषण के द्वारा ये फल अपने जीवन में लाते हैं। पवित्र आत्मा ने हमारे उद्धार के समय हमको बहुत सारी चीजें दी हैं जिनका उपयोग फल लाने के लिए हम कर सकते हैं, करना चाहिए और करने का आदेश प्रभु के वचन में है। इन बहुत सारी चीजों में से एक बात मैंने कल आपको बताई थी, वो यह है कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है तब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को लेकर प्रभु यीशु के शरीर के अंग बना देता है, और जब उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के शरीर से जोड़ दिया जाता है तो उसको ना केवल विश्वास से धार्मिकता मिलती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें मिलती हैं जिनमें एक है आत्मिक वरदान। आत्मिक वरदान वे विशेष योग्यताएं हैं जो पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार हमको देते हैं, हम चुनते नहीं हैं। हमारी जो सांसारिक योग्यताएं हैं, शारीरिक योग्यताएं हैं, जो हम अपने माँ बाप से या अपने परिवार से पाते हैं, ये अलग है। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार हमको जो विशेष योग्यता देते हैं वो अलग है। पवित्र आत्मा जो विशेष योग्यता देते हैं उसको पवित्र आत्मा का वरदान कहा जाता है। वरदान इसलिए कहा जाता है कि हम उसको पाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 11 में ये स्पष्ट करता है कि हमको जो आत्मिक वरदान दिए जाते हैं वो पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से बांटते हैं, मतलब वे स्वयं की इच्छा से बांटते हैं, ना कि मेरे आपकी इच्छा से। जब पवित्र आत्मा इस तरह से हमें एक आत्मिक वरदान कम से कम देते हैं वो हमारे जीवन में एक निवेश है, और जैसा मैंने कल याद दिलाया था प्रभु जब हमारे जीवन में निवेश करते हैं तो सर्वेश्वर निवेश के साथ साथ हमको ये भी याद दिलाते हैं कि इससे व्यापार करो, इसका उपयोग करो। आत्मिक वरदानों का उपयोग करने के लिए प्रभु का वचन बार बार याद दिलाता है। हाँ, यदि कोई टोका टाकी करे कि अच्छा आप कह रहे हैं व्यापार करो तो उसका मतलब है कि धंधा करना है, जी नहीं, व्यापार शब्द के और भी बहुत सारे अर्थ हैं, ये बात मैं शुरू में ही याद दिला दूं। किसी चीज का विनिमय करना उसको भी हम व्यापार कहते हैं। तो पवित्र आत्मा याद दिलाता है कि हम अपने आत्मिक वरदानों का विनिमय करें। यदि हम विनिमय करने से इनकार करते हैं तो प्रभु का वचन हमको दुष्ट दास कहकर संबोधित करता है।
प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जो फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है, उसका उद्धार नष्ट नहीं होता है, लेकिन उसके जीवन में आगे जो भी संभावनाएं थी उन संभावनाओं को वो खो देता है। प्रभु करे कि हम में से हर व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने आत्मिक वरदानों को पहचाने, उनका अच्छी तरह से पोषण करे, जिस तरह से हम एक पौधे को लगाने के बाद उसका पोषण करते हैं, और प्रभु करे कि हमारे जो आत्मिक वरदान है उससे 5 गुना 10 गुना बल्कि 30 गुना 60 गुना और 100 गुना हम फल ला सकें। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार और मैं याद दिला दूं, यदि आपने अभी तक अपने आत्मिक वरदान को पहचाना नहीं है तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया है। ऐसा ना कीजिए, अपने आत्मिक वरदान को पहचानने की कोशिश कीजिए। जब हम प्रार्थना में सक्रिय रहते हैं, प्रभु के वचन पर मनन में सक्रिय रहते हैं, और जब हम स्थानीय मंडली में पर्याप्त रूप से सक्रिय रहते हैं, तो प्रभु अपने वचन के द्वारा और अन्य विश्वासियों के द्वारा हमको ये बताते हैं कि हमारा आत्मिक वरदान क्या है। इस तरह से अपने आत्मिक वरदान को समझने के लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करें। जब हम अपने आत्मिक वरदानों को समझकर उसका सही उपयोग करने लगते हैं, तब उसके साथ साथ हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो जाता है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन हो, और जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन हम बिताते हैं तो हम जो कर रहे हैं उसके साथ साथ, या हम जो फल अपने जीवन में ला रहे हैं उसके साथ साथ पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में फल प्रोड्यूस करते हैं, फल लाते हैं। इसके लिए एक दो बातें याद दिलाना जरूरी है। प्रत्येक विश्वासी के जीवन में दो शक्तियां हैं जो उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। एक अविश्वासी के जीवन में सिर्फ एक शक्ति है। हर अविश्वासी जन्म से पापी है, हम इस बात को जानते हैं, सब ने पाप किया है। प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है कि पाप में मेरी मां ने मुझे गर्भ धारण किया। कई बार लोग इसका मतलब नहीं समझते, उनको लगता है गर्भ धारण पाप है। जी नहीं, पाप में गर्भ धारण किया का मतलब है कि पाप का जो स्वभाव है वो जन्म के समय से, गर्भ धारण के समय से हमारे साथ है। इसके कई उदाहरण प्रभु के वचन में हम देखते हैं। जाना माना उदाहरण है जब याकूब और एसाव, जन्म की बात आई तो ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन एसाव आया तो याकूब ने उसका पैर पकड़ लिया। इस तरह से सामान्यतः जन्म नहीं होता है, लेकिन वो पैदाइश से ही अपने बड़े भाई के जीवन में टांग अड़ाने वाला था। मनुष्य का पाप स्वभाव है जो उसको ये सारे कार्य करने को प्रेरित करता है। इसलिए जब प्रभु का वचन कहता है कि पाप में मेरी माँ ने मुझे गर्भ धारण किया, तो उसका मतलब प्रभु के वचन से ही ये है कि एक पाप स्वभाव के साथ साथ उसमें आवरण करके गर्भ धारण किया, और वो स्वभाव जन्म से लेकर मरण तक, या जब तक हमारा शरीर नया शरीर नहीं हो जाता तब तक हमारे साथ रहता है। इसके बारे में प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। कई बार हम इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। रोमियों की पत्री 7वें अध्याय में पवित्र आत्मा ने बहुत ही ज्यादा विस्तार से मनुष्य के अंदर जो पाप स्वभाव है उसके बारे में बताया है, और हमको ये बात बताने के लिए पवित्र आत्मा ने उपयोग किया है पौलुस को। पौलुस की कलम के द्वारा पवित्र आत्मा ने बताया है। वहां पवित्र आत्मा पौलुस को प्रेरित करते हैं, जिस प्रेरणा के कारण पौलुस ने लिखा कि जो काम मैं नहीं करना चाहता उसको करता हूं, और जिस बात से मुझे घिन आती है मैं उसी कार्य को करता हूं, जो कार्य मैं करना चाहता हूं उसे कर नहीं पाता, यह उस पाप के कारण है जो मेरे अंदर निवास करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर जब तक इस पृथ्वी को छोड़ नहीं जाता तब तक, या जब तक उसके शरीर का
प्रभु यीशु के दोबारा आने पर रूपांतर नहीं होता तब तक उसके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये स्वभाव है, वो है पाप स्वभाव। पाप स्वभाव हर व्यक्ति को प्रतिदिन प्रति क्षण नियंत्रित करने की कोशिश करता है। एक अविश्वासी के जीवन में सिर्फ एक नेचर होता है, पाप स्वभाव। लेकिन विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ साथ एक और स्वभाव आ जाता है, वो है नया स्वभाव। प्रभु का वचन एक को पुराना स्वभाव बोलता है, एक को नया स्वभाव बोलता है। प्रभु के वचन में एक को पुराना मनुष्य कहा गया है, एक को नया मनुष्य कहा गया है। इसके बारे में सबसे स्पष्ट जो इंस्ट्रक्शन या सूचना प्रभु के वचन में मिलती है वो है दूसरा कुरिन्थियों 5:17। एक ऐसा पद है जो हर विश्वासी को याद कर लेना चाहिए और अपने बच्चों को जरूर याद करवा देना चाहिए, क्योंकि ये इस बात को बताता है कि हम क्या थे, क्या हो गए और हमको क्या होना है। वहां हम पढ़ते हैं, क्योंकि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। यदि कोई मसीह में है का मतलब है यदि किसी ने नया जन्म पाया है तो वो एक नई सृष्टि है। तो अब हमारे अंदर दो प्रकार की सृष्टि है, एक तो पुरानी सृष्टि और एक नई सृष्टि। पुराना मनुष्य, नया मनुष्य, ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन बार बार याद दिलाता है कि ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर जो पुराना मनुष्य है ये उसका कार्य है। तो जब पुराना मनुष्य हमको नियंत्रित करता है तो हम एक प्रकार का कार्य करते हैं, जब नया मनुष्य हमको नियंत्रित करता है तब हम दूसरे प्रकार का कार्य करते हैं। क्यों? इसलिए कि पुराना मनुष्य जब हमको नियंत्रित करता है तब असल नियंत्रण या कंट्रोल पाप स्वभाव के हाथ में है। जब नया स्वभाव हमको नियंत्रित करता है तब कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में है। यहां एक दो बातें और आपको याद दिलाना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। प्रभु के वचन में, हिंदी बाइबल में भी ऐसा ही है, पाप शब्द जब एक वचन में आया है तो वो पाप स्वभाव के बारे में है। अंग्रेजी बाइबल में भी जब सिन शब्द एक वचन में आता है तो वो पाप के स्वभाव के बारे में है। अन्य भाषाओं में, कुछ भाषाओं में एक वचन बहुवचन का मामला इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन आज जो लोग सुन रहे हैं सभी हिंदी भाषी लोग हैं या हिंदी अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए आइंदा जब आप बाइबल खोलकर पढ़ें तो इस बात का ख्याल रखें कि हिंदी बाइबल जब पाप शब्द का एक वचन में उपयोग करता है तो वो आपके पाप स्वभाव की ओर इशारा करता है, उस पुराने मनुष्य की ओर इशारा करता है, उस पुराने स्वभाव की ओर इशारा करता है जिसको लेकर आप पैदा हुए हैं। ये स्वभाव है जो आपसे सारे कर्म करवाता है। पाप शब्द जब पवित्र बाइबल में बहुवचन में आता है तब वो हमारे कर्मों को बताता है, एक वचन में हमारे स्वभाव के बारे में और बहुवचन में हमारे कर्मों के बारे में। अंग्रेजी में भी सिन शब्द हमारे पाप स्वभाव के बारे में और सिंस शब्द हमारे कर्मों के बारे में है। तो जब सिन या पाप स्वभाव हमको नियंत्रित करता है तब पाप स्वभाव अपनी इच्छा के अनुसार हमसे कर्म करवाता है, लेकिन जब नया स्वभाव, नया मनुष्य हमको नियंत्रित करता है तो पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करके पवित्र आत्मा की इच्छा के कार्य करवाते हैं। इस पृष्ठभूमि को मन में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। कल मैंने याद दिलाया था कि जब हम नियमित रूप से वचन पर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक स्थानीय मंडली में विश्वासियों के साथ संगति करते हैं, तब प्रभु के वचन के द्वारा जो प्रेरणा मिलती है, अन्य विश्वासियों के प्रोत्साहन के कारण जो प्रेरणा मिलती है, अन्य विश्वासियों को देखकर जो प्रेरणा मिलती है, उसके कारण हम में से हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे से अच्छे फल लाने की हम कोशिश करेंगे।
और जैसे जैसे पवित्र आत्मा की मदद से हम कोशिश या प्रयत्न करेंगे, वैसे वैसे हमारा जो नया स्वभाव है उसका नियंत्रण हमारे ऊपर बढ़ेगा। और जैसे जैसे नए स्वभाव का नियंत्रण बढ़ेगा, वैसे 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 ही पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखने लगेगा। और जब पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखने लगेगा, तब आज प्रभु के वचन से हमने जो पढ़ा था, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम आदि हमारे जीवन में दिखाई देंगे। इसकी एक और पृष्ठभूमि समझना जरूरी है, जो प्रभु के वचन में ही बहुत स्पष्टतया दिया हुआ है। लेकिन वो उस पृष्ठभूमि को देखने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय याद दिलाता है, हे प्रिय भाइयों, मैं तुमसे ऐसे बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, बल्कि तुमसे सिर्फ ऐसे बात कर सका जैसे मैं सांसारिक लोगों से, दुनियावी लोगों से बात कर रहा हूं। वहां सांसारिक शब्द जो आया है वो उन लोगों के बारे में कहा गया है जैसे जो पुराने स्वभाव के नियंत्रण में है। हिंदी बाइबल अक्षरश मेरे सामने आ गया है जहां लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। ये भी जरा देखकर हम आगे बढ़ेंगे। पवित्र बाइबल में, विशेषकर नए नियम में, शरीर शब्द का उपयोग 4 या 5 अलग अलग तरीके से हुआ है। नंबर 1, हमारे पूरे शरीर के लिए शरीर शब्द का उपयोग हुआ है। कई बार हमारे अंगों के लिए शरीर शब्द का उपयोग हुआ है। लेकिन प्रभु का वचन हमारा जो पाप स्वभाव है उसके लिए भी शरीर शब्द का ही उपयोग करता है। और यदि इस अंतर को हम स्पष्टतया ना समझे तो कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। कई बार जब प्रभु का वचन कहता है शरीर की अभिलाषाओं में मत फंसो, तो लोगों को लगता है कि अच्छे कपड़े मत पहनो, अच्छा खाना मत खाओ, जीवन में किसी तरह की सुख सुविधा जो है उससे अपने आप को वंचित करो। और इस तरह से सोचने के कारण ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं जो इवन मुस्कुराते नहीं हैं। मैं ऐसे कई मसीही लोगों को जानता हूं, यही मैं जिस गांव में हूँ इसी इलाके में कई हैं जो मुस्कुराते भी नहीं। क्यों? पूछे, अरे प्रभु का वचन याद दिलाता है कि शरीर की अभिलाषाएं जो है वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये प्रभु के वचन का गलत व्याख्यान है। पहला कुरिन्थियों 3:1 में शारीरिक जो शब्द आया है उसी संदर्भ में शरीर की अभिलाषाएं शब्द प्रभु के वचन में आया। और यहाँ हर जगह शरीर हमारे पुराने पाप स्वभाव को दिखाता है। तो जब हम पाप स्वभाव के नियंत्रण में आ जाते हैं तब हम शारीरिक हो जाते हैं या अनात्मिक हो जाते हैं। अंग्रेजी में उसके लिए कार्नल शब्द का प्रयोग आया है, हिंदी में शारीरिक, सांसारिक या अनात्मिक। तो इस बात को याद रखें कि एक विश्वासी के जीवन में ये दोनों जो नेचर है, दोनों स्वभाव आजीवन आपस में संघर्ष करते रहते हैं। और यदि हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति ना कर रहे हो, प्रतिदिन फल नहीं ला रहे हो, जो आत्मिक वरदान प्रभु ने हमारे अंदर रखा है यदि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि हम जो पुराना स्वभाव है उसको स्थान देने के बदले, उसको महत्व देने के बदले, हमारा जो नया स्वभाव है उसको स्थान देने के बदले पुराने स्वभाव को स्थान दे रहे हैं जीवन में। और पुराना स्वभाव हमको नियंत्रित कर रहा है, उसका परिणाम क्या है? गलतियों की पत्री 5:19 में परिणाम दिया हुआ है। गलतियों की पत्री 5 अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे, 19वें पद में हम पढ़ते हैं, शरीर के काम प्रकट है। इस मैंने जो पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय की पृष्ठभूमि बताई थी वो इस 19वें पद को स्पष्टतया समझने के लिए वो पृष्ठभूमि बताई थी। मैं तुमसे ऐसे बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। वहां शारीरिक का मतलब है जो पाप स्वभाव के नियंत्रण में चलते हैं। वहां शरीर का मतलब इस नश्वर शरीर से नहीं है, हमारे अंदर जो पाप स्वभाव है उससे है। तो एक व्यक्ति शारीरिक जब हो जाता है
तो फिर वो कैसे काम करता है? शरीर के काम करता है। जब वो आत्मा के नियंत्रण में है तो आत्मिक कार्य करता है, शरीर के नियंत्रण में मतलब पाप स्वभाव के नियंत्रण में शारीरिक काम करेगा। शारीरिक काम क्या है? ये प्रभु का वचन कहता है, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, खत्म नहीं हुआ, बहुत लंबी लिस्ट है, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, मतलब हर चीज में अति करना, इनके जैसे और काम है, मतलब यहां लिस्ट खत्म नहीं हुआ, और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये जो कार्य है शरीर के हैं, और शरीर के कार्य उन लोगों को करना चाहिए जो पूर्ण रूप से शरीर के नियंत्रण में, मतलब पाप स्वभाव के नियंत्रण में है। और जो पूर्ण रूप से पाप स्वभाव के नियंत्रण में है वे तो अविश्वासी हैं, उनके अंदर नया स्वभाव नहीं है। लेकिन जिनके अंदर नया स्वभाव है उनके लिए जरूरी है कि वे अपने नए स्वभाव के नियंत्रण में चलें, और जब वे लोग नए स्वभाव के नियंत्रण में चलेंगे तो पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में कई प्रकार के फल उत्पन्न करेगा। उसके बारे में 22वें पद में जो हमने पहले पढ़ा था वो इस तरह से है, आत्मा का फल एक वचन है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आगे जाने से पहले क्षण भर के लिए हम अपने आप को या अपने जीवन को जांचें। कल मैंने आपसे पूछा था कि जिस समाज में आप रहते हैं वहां आपकी क्या गवाही है। ये इस प्रश्न को हल्के से ना लें, बहुत गंभीर प्रश्न है। जिस समाज में आप रहते हैं वहां आपकी क्या गवाही है? क्या आपके साथी लोग, आपके सहकर्मी लोग क्या आपके बारे में बोलेंगे, अरे बहुत नम्र व्यक्ति है वो भैया, वो बहन बोलती है तो ऐसे बोलती है जैसे प्रभु यीशु स्वयं बोल रहे हैं। लेकिन अगली बात है जो मैं आपको विशेष याद दिलाना चाहता हूं, संयम। संयम का क्या मतलब है? हर बात में नियंत्रण, कोई भी कार्य अनावश्यक रूप से न करना। एक बात बताइए, आज जो लोग प्रभु का संदेश सुन रहे हैं सभी लोग इस समय उत्तर भारत में हैं। उत्तर भारत में जो मसीही समाज है, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, जनरली विश्वासी लोग पिक्चर नहीं देखते। वैसे जनरली नहीं, विश्वासियों को संसार की चीजों से अलग रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हम सब इस बात को जानते हैं कि पिक्चरों में क्या दिखाया जाता है। यदा कदा नजर भी पड़ गई हो गई हो सकता है। एक बात बताइए, हिंदी पिक्चरों में यदि किसी लुच्चे, लफंगे, गुंडे या शराबी को दिखाना होता है तो किस धर्म का होता है? ईसाई, पीटर होगा या माइकल होगा। हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध पिक्चर का गाना है, ना चाहते हुए भी जहां जाते थे सब जगह सुनते थे, और गाने की लाइनें यह है, ये तब की बात है जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। गाने की लाइनें हैं, फिर मत कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। माइकल ही क्यों दारू पी के दंगा करता है? माइकल के बदले इकबाल क्यों नहीं हो गया? माइकल के बदले कोई और नाम जैसे आलोक क्यों नहीं हो गया? एक स्थानीय नाम बता रहा हूं, अजय क्यों नहीं हो गया? विजय क्यों नहीं हो गया? विजय दारू पी के दंगा करता है क्यों नहीं है गाने में? सिर्फ माइकल दारू पी के दंगा करता है इसलिए कि उत्तर भारत में मसीहियों के बारे में ये कहावत है, गैर मसीही लोगों के बीच कहावत है कि इन लोगों में आत्मसंयम नहीं है।
इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदी पिक्चरों में यदि किसी ऐसी लड़की को दिखाना हो जिसका कैरेक्टर खराब है तो कौन लड़की होगी? क्रिश्चियन नाम होगा उसका। जो भी लड़की दिखाएंगे जनरली क्रिश्चियन नाम होता है। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी गवाही क्या है, तो एक बात पहले ही आप दिला देना चाहता हूं कि हिंदी भाषी प्रदेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के समय से मसीही समाज ने गैर मसीहियों के बीच या उनके समक्ष एक बहुत बुरी गवाही दी है। मैं जिस शहर में रहता था, मैंने उसका नाम कई बार लिया, ग्वालियर। ग्वालियर में एक इलाका है जहां मसीही लोग रहते हैं। शाम को 6 बजे के बाद पुलिस वाले बंदूक लेकर भी उस इलाके में नहीं जाते हैं। क्यों? उस इलाके के मसीही लोग शाम को 6 होते ही पीना पिलाना गाली गलौज मारपीट शुरू करते हैं, और कोई आदमी सड़क से जा रहा हो, यकीन मानिए कि उसको लूट लेंगे और बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करेंगे। इसलिए ईसाई बस्ती में कोई नहीं जाता है शाम के समय। ऑफ कोर्स स्थिति अब बदल रही है, जो नई मसीही पीढ़ी आ रही है वो इस बात को जानती है कि ये गलत है और इसलिए वो लोग बदल रहे हैं, लेकिन वो पीढ़ी जिसे अंग्रेजों ने छोड़ा था, चाहे मध्य प्रदेश में ग्वालियर हो या जबलपुर हो या बस्तर हो या और कोई जगह हो, मैं जबलपुर को छोड़कर बाकी सब जगह जा चुका हूँ, वहां सब जगह ये बात मैंने देखी है कि ईसाई बस्ती जहां है वहां जाने से लोग डरते हैं, खासकर शाम को। ये है हमारी गवाही। अब सवाल यह है कि जब मैं और आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां जब लोग हमको देखते हैं तो हमारे बारे में क्या सोचते हैं? अरे ये वही ईसाई, ऐसा सोचते हैं, या लोग हमसे कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, ईसाइयों में भी असली और नकली होते हैं क्या? मैं प्रश्न बहुत बार सुन चुका हूं, तो यदि आप पूछें असली और नकली का क्या मतलब है? देखो भाई, हम तो ईसाई उसको समझते हैं जो जम के दारू पीता है, लड़की बाजी करता है और दुनिया भर के तमाम लुचपन करता है, लेकिन तुम्हारा जीवन जो है वो भिन्न है। इस तरह से आपसे पूछेंगे क्या? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि हम में से हर व्यक्ति एक ऐसे समाज में जी रहा है जहां ईसाई शब्द हर तरह की बुराई का पर्याय बन चुका है। गैर मसीही लोगों के द्वारा इस तरह के प्रश्न पूछते हुए मैंने कई बार सुना है, और इसलिए उस गैर मसीही समाज में जहां ईसाई नाम सुनते ही उनका मुंह कड़वा हो जाता है, वहां आप क्या, आपकी गवाही क्या है? ये सबसे उम्दा या सबसे बेहतर टेस्ट है इस बात को देखने के लिए कि आपका व्यावहारिक जीवन कैसा है। मैंने ऐसे बहुत सारे भाई देखे हैं, बहुत सारी बहनें देखी हैं, जिनसे लोग ये पूछते हैं कि भैया तुम ईसाई हो या सचमुच के ईसाई हो क्या? हाँ हम सचमुच के ईसाई हैं, तुम्हारा तो व्यवहार अलग है। ये बहुत सारे उत्तर भारत में बहुत सारे मसीही भाई और बहनों से लोगों ने पूछा है, पूछते हुए मैंने सुना है। क्यों पूछा और क्यों ये प्रश्न पूछते हैं? इसलिए कि आज भी ऐसे बहुत सारे भाई और बहन हैं जो प्रभु यीशु के समान, प्रभु यीशु से के साथ समर्पण के साथ जीवन बिताते हैं, और उनके कर्मों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वे लोग प्रभु यीशु के बच्चे हैं। उनके जीवन में फल दिखता है, वे अपने स्वयं के प्रयत्न से अपने आत्मिक जीवन में फल लाते हैं, और जब इस तरह के समर्पण के साथ जीवन बिताते हैं तो पवित्र आत्मा का फल भी उनके जीवन में दिखता है। और सबसे बड़ा फल जो उत्तर भारत में हमारे गैर मसीही मित्र हमारे जीवनों में देखना चाहते हैं, वो फल है संयम, आत्म संयम, हर बात में आत्मनियंत्रण,
पवित्रता, विशुद्धि और एक ऐसा जीवन जिसके बारे में हर कोई कहे कि हाँ ये तो करुणामय ईसा का सचमुच में ईसा की संतान है। मैं उत्तर भारतीय भाषा में बोल रहा हूँ, हिंदू लोग जो टर्म्स यूज करते हैं वो, ये तो वाकई में करुणामय ईसा की संतान है, ईसा ने जो कहा था वैसा इस भाई का जीवन है या इस बहन का जीवन है। जब हमारे गैर मसीही मित्र इस तरह से हमारे बारे में बोलेंगे तब हमको यकीन होगा कि हाँ वाकई में हम जो कर रहे हैं वे कर्म और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वे कर्म दूसरों के सामने एक गवाही बन रहे हैं। कैसे होगा? सवाल यह है कि ऐसा कैसे हमारे जीवन में होगा? आंसर बहुत स्पष्ट है। नंबर वन, कल हमने जो देखा था उसके आधार पर पहला पॉइंट, हम अपने जीवन में प्रभु ने हमारे अंदर जो निवेश किया है उसको सक्रिय रूप से उसका उपयोग करें, और सक्रिय रूप से जब हम उसका उपयोग करेंगे तो उसका फल लोगों को दिखाई देगा। लोग कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति वाकई में यीशु मसीह की संतान है, ईसा का बच्चा है, ये ईसा का सच्चा अनुयायी है। नंबर दो, जब हम इस तरह से सक्रिय रूप से अपने प्रभु ने मेरे आपके अंदर जो निवेश किया है उसका उपयोग करेंगे तब पवित्र आत्मा एक एक करके हमारे जीवन में आत्मा का फल प्रोड्यूस करेंगे। सवाल यह है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आत्मा का फल प्रोड्यूस करेंगे तब शरीर के काम पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे क्या? शरीर के काम से मेरा मतलब है पाप स्वभाव के काम? जी नहीं, इस जीवन में परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। कुछ साल पहले एक वक्ता, ब्रदरन नहीं है, एक गैर ब्रदरन वक्ता जब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा पिछले 40 सालों में मैंने एक बार भी कभी किसी से गुस्से से बात नहीं की, कभी भी जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, कभी भी अपनी पत्नी से नाराज नहीं हुआ, इत्यादि इत्यादि। उनका पहाड़ा तो बहुत लंबा था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं प्रिय भाई बहन, इस तरह से कोई व्यक्ति नहीं है। जब तक हम इस पृथ्वी में हैं तब तक परफेक्शन नहीं है। जो व्यक्ति ये दावा करता है कि 40 सालों में उसने जीवन में एक भी पाप नहीं किया वो दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति है, और वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसकी ना सुने, उसकी बात सुनने लगेंगे तो उस पर ध्यान देंगे तो आपका आत्मिक जीवन में आपको बहुत ज्यादा कुंठा हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। एक व्यक्ति कितना भी पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करे कई बार वो पाप शरीर पाप पुराने पाप स्वभाव के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय जरा पढ़कर देखिए, वहां पर लिखा हुआ है यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम प्रभु को झूठा ठहराते हैं। यदि कोई विश्वासी ये दावा करे कि मैं तो हमेशा 2400 घंटे पिछले 40 साल से 110% पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलता हूं, मेरे जीवन में कभी कोई जरा सी भी गलती नहीं हुई है, तो प्रभु का वचन याद दिलाता है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय याद दिलाता है, ना केवल हम दूसरों के सामने झूठ बोल रहे हैं, हम इवन प्रभु को झूठा ठहरा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये याद दिलाते जाना चाहता हूं कि हमारे जीवन में कितना भी फल हो, यदा कदा कभी कभी हम पापों में फंस जाएंगे, जानबूझकर नहीं। मेरे सामने उपद आ गया है, कोई भाई मेरी बहुत मदद कर रहा है, हम वो उपद सामने है, पहला यूहन्ना 1:8, शुक्रिया। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं, हम में किसी तरह से सत्य नहीं है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और इस बात को याद रखें, हाँ थैंक यू फॉर कोटिंग दैट वर्स,
हम अपने आप को धोखा ना दें, हम में असत्य ना हो। इस बात को अच्छी तरह से समझें कि एक अच्छा विश्वासी कई बार जाने अनजाने गलती कर देता है, लेकिन प्रभु का प्रश्न ये नहीं है कि प्रिय बच्चे तुमसे गलती होती है क्या। नहीं नहीं प्रभु का वचन कहता है कि हम कई बार गलती कर देते हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है, मेरे बच्चे मैं तुम्हें ये देखना चाहता हूं कि जैसे ही तुम्हारे अंदर गलती आती है वैसे ही तुम माफी मांग लो। पहला यूहन्ना 1:9 हमको याद दिलाता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए या पापों से क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो प्रश्न ये नहीं है कि मेरे आपके जीवन में गलती होती है, क्या गलती होती है। शरीर के कामों में या पुराने पाप स्वभाव के कामों में हम फंस जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को पहला यूहन्ना 1:9 याद कर लेना चाहिए, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए प्रभु का प्रश्न ये नहीं है कि हे मेरे बच्चे तुम पाप में फंसते तो नहीं हो। नहीं, प्रभु का प्रश्न ये है, हे मेरे बच्चे जब तुम पाप में फंसते हो और जैसे ही तुमको ये बात पता चल जाती है तो मेरे प्रिय बेटे या मेरी प्रिय बेटी उसको मान लो, मैं तुमको क्षमा करूंगा। मैं ना केवल उस पाप के लिए तुमको क्षमा करूंगा, उस पाप से तुमको क्षमा करूंगा जिसको तुमने जानकर किया, बल्कि सब अधर्म से तुमको शुद्ध करूंगा, जिसका मतलब यह है कि वे पाप जो तुमने अनजाने किए हैं, जिनके बारे में आज तुमको नहीं मालूम, उससे भी मैं तुमको क्षमा प्रदान करूंगा। तो इसलिए जब हम व्यावहारिक मसीही जीवन में फल लाने की कोशिश करते हैं तो कई बार पुराने पाप स्वभाव के असर में आकर शरीर के काम कर जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है, मेरे बेटे इमीडिएटली क्षमा मांगो और उसके बाद अच्छा फल लेने की कोशिश करो, जिससे कि पवित्र आत्मा भी तुम्हारे जीवन में कार्य कर सके। 24वें पद में हम देखते हैं, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के नहीं है, मतलब जिन्होंने जीवन में उद्धार नहीं पाया है, उनके जीवन में पाप को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कोई साधन नहीं है। लेकिन जो जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, वो प्रतिदिन अपने पाप के स्वभाव को सूली पर चढ़ा सकता है और चढ़ाना चाहिए। आप पूछेंगे कि ब्रदर सूली पर चढ़ाने का मतलब क्या है। देखिए, सूली पर चढ़ाने का मतलब है कि सबसे पहले किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेना। क्यों? कीलों से जब एक व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, एकदम उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन उसकी आजादी, चलने फिरने की आजादी खत्म हो जाती है। इसी तरह से जब हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन बिताएंगे तो हम उस पाप स्वभाव को सूली पर चढ़ाएंगे, और इस तरह से जब एक व्यक्ति नियमित रूप से पवित्र आत्मा की मदद से पाप स्वभाव को सूली पर चढ़ाता है तो उसका असर क्या होता है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत सूली पर चढ़ा दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में प्रभु का वचन एक इंस्ट्रक्शन देता है, एक निर्देश देता है। 25वें पद में निर्देश इस तरह से है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। इसका क्या मतलब, प्रभु का वचन ऐसा क्यों पूछता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं? जीवित ही तो है। जी हाँ, ये 25वां पद है, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 25वां पद। ये पद हमको याद दिलाता है, बच्चों, प्रभु के बच्चों, याद रखो तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हो या नहीं हो। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछना एकदम से हमको झकझोरने के लिए जरूरी होता है। प्रभु का वचन इस बात को जानता है कि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं। क्यों? इसलिए कि जिन्होंने नया जीवन पाया है उनको पवित्र आत्मा ने ही नया जीवन दिया है और आइंदा वो आत्मा के द्वारा ही जीवित हैं।
तो फिर गलतियों 5:25 में ये ऐसा क्यों कहा है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं? जरा झकझोरने के लिए कई बार माँ अपने बेटे से कहती है, यदि तू मेरा बेटा है तो करके दिखा। कई बार पिता अपने बेटे से कहते हैं या बिटिया से कहते हैं, देखो यदि तुम मेरी बेटी हो तो फलाना काम करोगी। तो यदि पिताजी कहते हैं यदि मेरी बेटी हो, माँ कहती है यदि मेरे बेटे हो, तो उनको डाउट है क्या कि वो उनके बच्चे नहीं है? जी नहीं, ये बोलने का एक तरीका है जो हमारे मन में एकदम से मन को झकझोर देता है। पवित्र आत्मा यहाँ इसी स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है। पवित्र आत्मा जो प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं उनको झकझोरना चाहते हैं कि जरा सोचो तो, तुम जो जीवित हो ये अपनी ताकत के कारण नहीं है, ये तुम्हारी योग्यता नहीं है। तुम यदि एक मसीही हो, तुम यदि परमेश्वर के बच्चे हो, तो तुम इसलिए हो कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हो। और जब इस तरह से हमारा मन झकझोर जाता है, हो जाता है, तब अचानक हमको याद रखना चाहिए जो अगला स्टेटमेंट है, तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो आज शाम को प्रभु ने हमको पिछली जो 3 शामों में अपने वचन को सोचने का जो अवसर दिया है, उसके कंक्लूशन ये है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चले भी, या आत्मा के अनुसार चले भी। अपने जीवन को जरा थोड़ी सी देर जांच लें। उसके लिए एक बार और मैं पलट कर आपको 2 कुरिन्थियों 5:17 की ओर ले जाना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 5:17 2 कुरिन्थियों 5:17 हमको याद दिलाता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। ये किस बात को बताता है? ये हमारे प्रतिदिन के अनुभव को नहीं बताता है, ये हमारी हैसियत को बताता है, ये हमारे पोजीशन को बताता है। जब हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हमको एक नई हैसियत, एक नई पोजीशन दी जाती है। हम सब इस बात को जानते हैं, जब कोई एक युवा आर्मी में भर्ती हो जाता है, 2 साल या 3 साल, खासकर यदि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू गया है, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो ट्रेनिंग हो जाता है, तो ट्रेनिंग के बाद वो एक अफसर बनकर वहां से निकलता है। उसको या तो आप लेफ्टिनेंट कहेंगे या कैप्टन कहेंगे, उसको एक नई हैसियत दी गई है। 2 कुरिन्थियों 5:17 इसी तरह से हमारे हैसियत के बारे में, पोजीशन के बारे में बताता है। लेकिन जब एक व्यक्ति को एक हैसियत दे दी जाती है, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने हैसियत या पोजीशन के हिसाब से व्यवहार करे। तो जब प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा जीवित हैं, वो हमारे पोजीशन को बताता है, नई सृष्टि है, वो हमारे पोजीशन को बताता है, तो आत्मा के अनुसार चले भी, वो हमारे व्यवहार को बताता है। हमको जो पोजीशन दिया गया है उसके अनुसार हमें व्यवहार करना जरूरी है। आज से कुछ साल पहले ये बात मेरे ध्यान में आई कि जब कोई व्यक्ति दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का प्रेसिडेंट बनता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है, तो उसके साथ साथ जो उसको जो पोजीशन दी गई है उसके साथ साथ बहुत सारे प्रतिबंध आते हैं। वो दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है, धन से, शक्ति से, राजनीतिक शक्ति से, असर से सबसे शक्तिशाली है, लेकिन व्यवहार के मामले में बहुत सारे प्रतिबंध हैं। ये घटना पब्लिक के सामने तब आई जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे। उनकी आदत थी कि कई मामलों में बहुत लापरवाही करते थे,
बहुत लापरवाही करते थे। अक्सर जब वो प्लेन से उतरते थे तो स्टेप बाय स्टेप केयरफुली उतरने के बदले तेजी से उतरते थे और फिसल जाते थे। हिंदुस्तान के कार्टूनिस्ट ने उसके बारे में एक बहुत बढ़िया कार्टून बनाया था जिसमें प्लेन से उतर रहे हैं तो देखा तो सामने बहुत बड़ा जाल है। उन्होंने पूछा भैया ये जाल काहे के लिए है, तो जवाब मिला कि इस बार आप फिसलें तो जमीन पे ना गिरे, उसके लिए हिंदुस्तानियों ने जाल भेजा है। उस व्यक्ति को जब वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा था तब उसको ये बात बताई गई थी कि हर काम बहुत ही सावधानी से करना है, इवन जो बोलते हो वो भी सावधानी से बोलना है। हमको जो पोजीशन दी जाती है उसके अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए। आज जो भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं उनको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। प्रभु का वचन ये भी कह सकता था जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, तो फिर यदि कोई क्यों कहा गया है? मन को झकझोरने के लिए। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं क्यों कहा गया है? हम तो आत्मा के द्वारा जीवित हैं, मन को झकझोरने के लिए, तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो हम नई सृष्टि हैं, नई सृष्टि के अनुसार हम चलें, हमारा व्यवहार वैसा होना चाहिए। पिछले तीन दिनों में हमने जो देखा उसका सारांश एक बार और आपके सामने मैं याद दिलाना चाहता हूं। पहले दिन प्रभु के वचन से हमने ये देखा कि जब भी कोई व्यक्ति प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के शरीर से जोड़ देते हैं, और जब प्रभु यीशु के शरीर से वो जुड़ जाता है तो प्रभु की धार्मिकता उस व्यक्ति को आवरण करती है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को बहुत सारी चीजें देते हैं, निवेश करते हैं। उसके बाद उससे कहा जाता है कि अब उसका उपयोग करो, उसका विनिमय करो। यदि हम विनिमय करने में लापरवाही करेंगे तो हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा, ये हमने पहले दिन देखा। और उस संदर्भ में मैंने आप सबसे ये विनती की थी कि प्रिय भाई प्रिय बहन जरा ये जांच कर देखें कि आपका आत्मिक वरदान क्या है। यदि हम अपने आत्मिक वरदान को जानने में देर करते हैं तो नुकसान हमारा है। मैंने एक मां के बारे में सुना था जिसका बेटा विदेश गया, अपड़ थी माँ, बेटा विदेश गया, पैसा कमाने के लिए गया, माँ ने भूखे पेट उसको पाला था, वो बेटा नियमित रूप से उसको पत्र भेजता था, माँ से कहता था माँ खुश रहना, हर पत्र में एक ग्रीटिंग कार्ड भी भेजता था। महीनों निकल गए, बेटे ने पैसा नहीं भेजा। जब वो भूख प्यास से मरने के कगार पर थी तब किसी पड़ोसी ने जाकर पूछा कि अरे माता जी हमको बताया तो होता। वो बोली कि मैं तुमको क्या बताऊं, जब मेरा बेटा ही मेरी मदद नहीं कर रहा है, बस वो हर महीने पैसा भेजता है, एक ग्रीटिंग कार्ड भेज देता है। पड़ोसी को जिज्ञासा हुई, पड़ोसी ने कहा कि जरा बताओ तो ग्रीटिंग कार्ड क्या है। तो माँ ने वो जितने लिफाफे रखे थे सब दिखाए। माँ जिसको ग्रीटिंग कार्ड समझ गई थी वो विदेशी चेक था। विदेशों में चेक बहुत आकर्षक रीति से प्रिंट किए जाते हैं, माँ ने कभी नहीं देखा था, इसलिए जिसको वो ग्रीटिंग कार्ड समझ रही थी, हर महीने उसके बेटे ने बहुत बड़ी राशि भेजी थी, पहचाना नहीं। ना पहचानने के कारण वो उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाई, भूखों मर रही थी। प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने आत्मिक वरदानों को नहीं समझते हैं तो हम आत्मिक भूखे रहकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। नंबर दो, कल मैंने ये बात याद दिलाई थी कि हमें सक्रिय रूप से आत्मिक वरदानों का उपयोग करना है। सबसे अच्छा उदाहरण है जकी, उसने आधी संपत्ति तो यो बांट दी और बाकी कहा कि जो बाकी आधी है उससे तुम में से जिससे भी मैंने न्याय से कोई पैसा लिया चार गुना दे दूंगा वापस। उसने ये नहीं सोचा कि मैं शायद लुट जाऊंगा, उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। हम अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग इस तरह से करें। तीसरी बात जो आज मैंने आपको याद दिलाई, जब हम प्रभु ने हमारे जीवन में जो निवेश किया है
उसका उपयोग करेंगे तब, जब हमारे जीवन में फल लगेगा तब पवित्र आत्मा भी सक्रिय रूप से हमारा ऐसा नियंत्रण करेंगे, ऐसा नियंत्रण करेंगे कि हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम दिखाई देंगे। यहाँ मैंने शुरू में आपको याद दिलाया था कि एक वचन में कहा गया आत्मा के फल नहीं, आत्मा का फल है, जिसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीता है उसके जीवन में ये सारी बातें दिखाई देंगी। अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को देखकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे और कहेंगे कि हाँ, यह व्यक्ति वाकई में प्रभु की संतान है। हमारे गैर मसीही लोग कहेंगे हाँ, फलाना वो तो ईसा मसीह का सच्चा शिष्य है, वो दावा करता है कि वो ईसा का बच्चा है, वो वाकई में ईसा की संतान है। ये हमारी गवाही है क्या? इन बातों को जांचने के लिए और जीवन में बदलाव करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। लेकिन एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, मसीही जीवन में कभी भी कोई भी यह ना सोचे बहुत लेट हो गए, इतने साल से मैंने ये काम नहीं किया। नो, मसीही जीवन में कभी भी लेट हो गए वाली बात नहीं है। यदि आज आपको ये बात समझ में आई है, आज से काम करना शुरू कीजिए और प्रभु से विनती कीजिए कि प्रभु आपका जो नष्ट हो गया है उसकी भी आप भरपाई कर सके, और दुगने उत्साह के साथ अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाइए। प्रभु आप सबकी मदद करें। बहुत ही क्षमा के साथ आपने इन बातों को सुना, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, मैं उन सबके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्रूस की ओर देखो, आशीष पाना है तो जीवन के हर अवगुण को यीशु मसीह को दे दो। क्रूस की ओर देखो, आशीष पाना है तो जीवन के हर अवगुण को यीशु मसीह को दे दो। क्रूस की ओर देखो, जग में श्रेष्ठ बने तू। तेरी भलाई इसमें है कि जग में श्रेष्ठ बने तू। तेरा जीवन नई सृष्टि जग को दर्शा दो। क्रूस की ओर देखो, आशीष पाना है तो जीवन के हर अवगुण को यीशु मसीह को दे दो। क्रूस की ओर देखो। में तेरे कांटे की भूल समझ कर चलना,
मार्ग में तेरे कांटे की भूल समझ कर चलना। तेरा मंदिर कृष्ण प्रभु का जग को दर्शा दो, क्रूस की ओर देखो आशीष पाना है तो, जीवन के हर अवगुण को यीशु मसीह को दे दो। क्रूस की ओर देखो आशीष पाना है तो, जीवन के हर अवगुण को यीशु मसीह को दे दो।